आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप जहाँ तक बात कर रहे हैं ट्रेनिंग की, अभी रिसेंटली रमज़ान में और रमज़ान से पहले भी कोविड के सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट के असातिज़ा की ट्रेनिंग मैं करवा रहा था। रमज़ान में मुझे मौका मिला, हमने ट्रेनिंग करवाई, काफ़ी सेशंस मैंने दिए ऑनलाइन, तो मैंने देखा कि वहाँ भी वहाँ जो असातिज़ा उनकी भी ख्वाहिश थी। वो मुझसे भी कह रहे थे कि सर हमारी ख्वाहिश ये है कि बच्चों के साथ साथ बच्चों के माँ बाप हैं, असातिज़ा हैं, इनकी ट्रेनिंग, क्योंकि अब सारे इस क्राइसिस का शिकार हैं। बहुत सारे केसेस ये सामने आए हैं कि माँ बाप को भी समझ नहीं आ रही कि सिचुएशन से एक अजीब सी करंट सिचुएशन है, एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन है। पेरेंट्स अपने बच्चों को देख देख के ना बस औकात ये है उनका जो अंदाज बन चुका है वो अब ये चाह ये रहे कि उनके बच्चे प्रोग्रेसिवली कुछ करें। हर डल माइंड होते जा रहे हैं, डेस्परेट हो गए, सारे स्कूल जाने के लिए डेस्परेट हो गए। तो अच्छा वो काउंसलिंग जो उनको बच्चों को चाहिए, तो जिन्होंने काउंसलिंग करनी है, मेरी मुराद जो पेरेंट्स और टीचर्स से है, और जहाँ आप पॉइंट आउट कर रही है कि इनकी ट्रेनिंग भी जरूरी है, यस पेरेंट्स की ट्रेनिंग जरूरी है, उनको बताया जाए कि हम इस वक्त एक मुश्किल वक्त में हैं और हमें यहाँ कैसे मैनेज करना है, कौन कौन से अवामिल हैं जो हमें दरकार हैं, कैसे हमको अप्लाई करना है, और बच्चों की काउंसलिंग कैसे करनी है। टीचर्स को अपने एंड पे करनी चाहिए और माँ बाप को अपने एंड पे करनी चाहिए, और बिल्कुल इस तरह का प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट को लॉन्च करना चाहिए कि बच्चों के साथ साथ इन लोगों की तरबियत या इन लोगों की रहनुमाई और रहबरी के लिए भी इस तरह को इकदाम होने चाहिए।